फॉर्म और आया हूँ यहाँ पे पेशेंट है तकरीबन 4 साल पुराने। और 4 साल पहले जब ये आए थे तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ऐसी थी कि ब्लड की कमी, ब्लडलेस की कमी और इशूज़ थे। दैट्स व्हाई जिस मर्ज में यहाँ आए थे ये तो हमें यहीं पर रेफर किया गया, हम यहाँ पर आए। 4 साल का था जब ये आया था, स्कूल गोइंग था, वहाँ से स्कूल इसको ऑफ किया गया क्योंकि ये बीमार हो चुका था। तो जब हम उसको यहाँ लेकर आए तो मैं उसको यही क्या करना कह रहा थी कि ये आपका स्कूल है। तो जबकि यहाँ आता था तो ये डॉक्टर्स को डॉक्टर्स नहीं कहते थे, सर हैं, मैम्स हैं और अंकल हैं, अपने रिश्ते इसने यहाँ बनाए। जब बीमार हुआ ये कॉमे में चला गया तो कॉमे के बाद इसकी अल्लाह का शुक्र है कि इसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई। उसके बाद मैंने कभी किसी की उंगली रख के नहीं बताया कि ये डॉक्टर है, ये अंकल है, ये आंटी है, ये आपका स्टाफ है, ये आपकी नर्सिंग कर रहे हैं। इसने खुद हर एक स्टाफ के बंदे को ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे मामू हैं, ये अंकल हैं, ये सर हैं, इवन ये मेरे दोस्त हैं। मतलब कि चाहे वो यहाँ पे कोई काम करने वाला है, चाहे वो सफाई करने वाला है, चाहे वो डॉक्टर है या वो किसी भी लेवल के, इवन के डॉक्टर शैम्पल भी आते थे तो इनसे ये होता था कि अंकल गोद में। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था स्टाफ का और डॉक्टर्स का। मतलब कि हमें किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि हम यहाँ से इस हॉस्पिटल के अंदर से हम कहीं बाहर निकल के जाना नहीं पड़ा कि हम ब्लड ढूंढने जा रहे हैं, ब्लड टेस्ट ढूंढने जा रहे हैं या हम किसी डॉक्टर्स को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ खुद ऑलरेडी डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग, बहुत लव रही है। और यहाँ के स्टाफ ने, यहाँ के डॉक्टर्स ने माँ के साथ माँ की तरह ही ट्रीट किया है, बच्चे को भी, उनके पेरेंट्स को भी गाइड भी किया है। और क्या कहते हैं, हमने बताया भी कि किस तरह हमने करना है।